सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 1 रुपए की सजा सुनाई है और 1 रुपए जमा नहीं कराने पे 3 महीने तक की सजा और 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने को मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या ये मैटर था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और हम कैसे इससे बच सकते हैं, जानेंगे आज इस पूरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहर और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको कानून से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रशांत भूषण, जो देश के नामी वकील हैं, उनको 1 रुपए की सजा सुनाई है और उन्हें बोला है कि अगर आपने 1 रुपए 15 सितंबर 2020 तक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा नहीं कराए तो आपको 3 महीने तक की सजा हो जाएगी और आप 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या हुआ था? सबसे पहले हम जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में। प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि उन्होंने ट्वीट करते हुए एक बोला था कि जब पूरे देश में लॉकडाउन है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस एस ए बोबड़े साहब अपनी बाइक का मजा ले रहे हैं और जबकि पूरे देश में न्याय व्यवस्था ठप पड़ी है। इस तरह के कमेंट उन्होंने पास किए थे। इस ट्वीट के बाद प्रशांत भूषण को शो कॉज नोटिस जारी किया गया, लेकिन वो जो शो कॉज नोटिस पे जो उन्होंने रिप्लाई फाइल किया उससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेटिस्फाई नहीं थी। इसलिए पूरी हियरिंग करने के बाद 20 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको दोषी माना है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक चांस दिया कि आप चाहें तो माफी मांग सकते हैं ताकि हम इसमें आपको अच्छे से न्याय दे सकें। लेकिन प्रशांत भूषण ने माफी मांगने के बजाय लोगों के बीच में जाकर और मीडिया में जाकर इंटरव्यू दिया कि मैं किसी भी तरह की माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो मैंने बोला है वो सच है। फाइनली इन सब के बाद 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 रुपए की सजा दी है। ये तो था प्रशांत भूषण का मामला। लेकिन अगर मैं आपको ट्वीट की बात करूं तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो ट्वीट, इसके 2 पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने बांटे। पहला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर कुछ बोला है कि वो ऐसे एक बाइक राइड कर रहे हैं किसी बीजेपी के नेता की, तो उसमें कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आप सीजीआई एज ए इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। लेकिन जो ट्वीट का सेकंड पार्ट है, जहां पे अभी बोलते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस ने पूरे न्याय व्यवस्था ठप कर रखी है और न्याय नहीं मिल रहा और आप बाइक चला रहे हैं, तो ऐसा कहना कंटेम्प्ट है। क्योंकि अब आपने सीजीआई की नहीं बल्कि सीजीआई एज ए इंस्टीट्यूशन, उस पूरे समुदाय की, उस पूरे संस्था की बात की है, इसलिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो इस मुद्दे पर जाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मैटर को डिसाइड किया है। हालांकि दोनों तरफ से कंट्रोवर्सियां होती है और दोनों तरफ के पक्ष ने अपने पक्ष रखे हैं। एक तरफ की बार एसोसिएशन ये कहती है कि बिल्कुल सही किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अगर इस तरह से कोई भी सीजीआई के खिलाफ या न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह की आवाज उठाता है या कुछ इस तरह के कमेंट पास करता है तो एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे कानून के जो लर्नेड लिबरलीज हैं, उन्होंने एक लेटर लिखे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, अगर ऐसा करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो हम सबको भी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्वेक्ट करें, क्योंकि उनका मानना है कि न्यायपालिका के खिलाफ आवाज उठाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये तो था मैटर। अब हम बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ की। ये कानून पहले से चला आ रहा है यूके में, जहां पे किंग जो राजा हुआ करते थे उनको सर्वेसर्वा मानते थे, उनके खिलाफ कुछ भी बोलना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट उस समय माना जाता था। वहां से ये कानून इंडिया में आया, इसके 1-2 एक्ट भी पास हुए, लेकिन फाइनल में जाके 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास हुआ। इसके अंदर 2 तरीके से कंटेम्प्ट को बताया गया है, एक है सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर पास करती है, अगर वो किसी डायरेक्शन को पास करती है और अगर वो डायरेक्शन नहीं फॉलो करे, आप फॉलो नहीं करें या कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी फॉलो नहीं करे या कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट फॉलो नहीं करे, तो वो आता है सेक्शन 2 के इस वायलेशन में और सिविल कंटेम्प्ट माना जाता है। जबकि दूसरी बात हम बात करें क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर अगर आप, जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात चल रही है, अगर कोई कोर्ट फंक्शनिंग चल रही है, अगर आप उसमें डिस्टर्ब करते हैं या फिर आप कुछ ऐसा कमेंट पास करते हैं, ऐसा आर्टिकल लिखते हैं या ऐसा कहीं स्टेटमेंट देते हैं जिससे कोर्ट की छवि खराब होती हो लोगों की नजरों में, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट आता है और ऐसा करने पे 6 महीने तक की सजा का प्रावधान होता है। तो ये होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, जहां पे 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि अगर हम इस कानून की बात करें तो ये कानून बड़ा जोरदार है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेंट करने वाले भी जजेज हैं, उसमें प्रोसिक्यूटर भी जजेज हैं, उस मैटर को सुनने वाले भी जजेज हैं, यानी जो फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट होता है वो इस पूरे कानून में है ही नहीं। इसी कारण इसकी संवैधानिकता को चैलेंज किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में
और लोग अब मांग कर रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हटा दिया जाए, क्योंकि अगर इस तरह के कानून को रखा जाएगा तो आप न्यायपालिका में कभी भी पारदर्शिता नहीं ला पाएंगे, कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं ला पाएंगे। अगर हम विश्व के बाकी देशों की बात करें तो बाकी देशों में अब ऐसा कानून धीरे धीरे हटाया जा रहा है, सिर्फ कुछ ही कंट्री में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाकी रह गया है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट में जाके ये बताएं कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इस कानून को रखा जाना चाहिए या नहीं, या प्रशांत भूषण ने सही किया या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन को सही माना जाता है। क्या सही है क्या गलत, इसका तो असली जस्टिस हमें जनता ही बता सकती है। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।